लोग ऊपर हो। याद आ गया सपा के साथ नहीं है? कोई नहीं, हमें बहन जी की नीतियों पर विश्वास है, हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। मैं हमेशा जय भीम का फॉलो करता हूँ, जो संविधान। अखिलेश यादव भी काफी दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं सारे जय भीम वाले हमारे साथ आ गए। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने दावे हैं, बस दावे हवा में निकल जाएंगे। मतलब हवा वाई अखिलेश यादव के दावे। बेशक इस बार बहन जी अच्छी तरह से आ रही है। ये जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं ना कि बहन जी कहीं नहीं कहीं नहीं है, 10 तारीख को आप देखिएगा कि क्या होगा। देखिए वो भी एक अच्छे नेता है, मैं उनका बुराई नहीं कर सकता, लेकिन हमें जो अधिकार मिला है 2007 से लेकर 2012 में, आज जो भाजपा जो लाइन ऑर्डर की बात करती है, लाइन ऑर्डर था तो बहन मायावती शासन में था, अधिकारी हो चाहे कोई भी होता था 9 बजे से पहले अपने ऑफिस में पहुंच जाते थे, वो हनक था उनका। हम लोग यहाँ आए थे गणेशपुर में, अधिकारी रात भर जागते रहते थे, वो भगवान के सामने पूजा करते थे कि हमें मायावती जी से बचाया जाए, वो लाइन ऑर्डर। अखिलेश जी की जब कुर्सी धो दिया गया तो वो समाज उस समय कहाँ चला गया था? आज लोग अछूत से परेशान है और मुख्यमंत्री जो एक राजा था उसकी जब कुर्सी धो दिया गया है, और यादव समाज जो बहुत 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 बाहुबली बनता है, उस समय उसका खून नहीं उबला वो पानी हो गया, उसने एक भी सामाजिक संघर्ष नहीं किया। सपा केवल राजनीतिक पार्टी है, बसपा आपका सामाजिक धार्मिक और महिलाओं को सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुसार काम करने वाली पार्टी है। अब मंदिर पूजा करने से कुछ होगा? हमें संविधान पढ़ने से मिलेगा, हमें अपना अधिकार जानना है तो मैं संविधान पढ़ने आया। नाम है दिवाकर यादव, सेक्टर महासचिव यादव जी। हाँ मैं दिवाकर यादव हूँ। सपा के बसपा के जय भीम। अच्छा हाँ, तो कैसे मंदिर से खुश नहीं है? मंदिर से अच्छा बताइए, मंदिर से हमें क्या फायदा मिलेगा बताइए? हम लोग का पैसा सारा मंदिर में जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है? वो सिर्फ पंडित पुजारी लेकर रख लेते हैं, उससे क्या विकास होता है? उससे सिर्फ एक वर्ग का विकास होता है। अगर हमें पढ़ाई, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हाँ हमें उसे शिक्षा चाहिए। मंदिर से क्या दिक्कत है? वोट तो उन्हें मंदिर के नाम पे बराबर की दुकान है। मंदिर देखिए, मंदिर से कोई फायदा नहीं है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मंदिर बनवा दें। मंदिर अगर पूजा करना तो हम अंधविश्वास को नहीं मान सकते। हम मंदिर मानते हैं तो हम अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी वालों को तो लगता है ना कि वो मंदिर के मुद्दे से या धर्म के मुद्दे से? देखिए उनका काम ही है यही। अब उनके पास तो विकास का मुद्दा रहने गया, कहते मैं सड़क बनवाया हूँ, सड़क वो उनका अधिकार है, हम लोग का अधिकार है। अगर वोट दिए हैं तो उनको रोड बनवाना का अधिकार है, शिक्षा देने का अधिकार है, सब कुछ है। कोई ऐसा नहीं लाद रहे हम आप लोगों पर। याद आ गया सपा के साथ नहीं है? कोई नहीं, हमें बहन जी की नीतियों पर विश्वास है, हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। मैं हमेशा जय भीम का फॉलो करता हूँ, जो संविधान। अखिलेश यादव भी काफी दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं सारे जय भीम वाले हमारे साथ आ गए। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने दावे हैं, बस दावे हवा में निकल जाएंगे। मतलब हवा वाई अखिलेश यादव के दावे। बेशक इस बार बहन जी अच्छी तरह से आ रही है। ये जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं ना कि बहन जी कहीं नहीं है, 10 तारीख को आप देखिएगा कि क्या होगा। देखिए वो भी एक अच्छे नेता है, मैं उनका बुराई नहीं कर सकता, लेकिन हमें जो अधिकार मिला है 2007 से लेकर 2012 में, आज जो भाजपा जो लाइन ऑर्डर की बात करती है, लाइन ऑर्डर था तो बहन मायावती शासन में था, अधिकारी हो चाहे कोई भी होता था 9 बजे से पहले अपने ऑफिस में पहुंच जाते थे, वो हनक था उनका। हम लोग यहाँ आए थे गणेशपुर में, अधिकारी रात भर जागते रहते थे, वो भगवान के सामने पूजा करते थे कि हमें मायावती जी से बचाया जाए, वो लाइन ऑर्डर था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, रात भर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाते एक तरफ से, एक तरफ से हवा हवाई हो जाता है। अधिकारी काम नहीं करते? कोई अधिकारी काम नहीं करता है, देख लीजिए आपके भ्रष्टाचार चरम पर है। कह रहे हैं इस टाइम तो 24 घंटे काम हो रहा है प्रदेश में? कुछ काम अगर काम कहाँ हो रहा है बताइए? ये जो काम हो रहा है, अरे काम ही तो हो रहा है, 5 बीघा चर जा रहे हैं ललका सड़वा, काम ही तो हो रहा है। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो अनाज दे करके, 5 किलो अनाज दे करके 25 किलो से ऊपर खा जा रहे हैं। रात रात भर हम लोग चौकीदार की तरह हम लोग खेतों को कर रहे हैं, बताइए वो कहाँ से एहसान कर रहे हैं? अगर गेहूँ चावल दे रहे हैं, 15% या तो वोट दे रहा है, ये मैं नहीं बता सकता कितना दे रहा हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ, हम उनके साथ में है तो है बस। आप याद है बस मैं हूँ, मैं हमें उनकी नीतियों में विश्वास है, मैं हमेशा था, मैं हमेशा हूँ। चलिए ठीक है यादव जी, आप जैसा
कितना वोट अभी बहुजन समाज पार्टी के साथ है? देखिए जिस दिन लोग संविधान को पढ़ना जान जाएंगे, अब देखिए अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव भी संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, अब वो भी सब जब पढ़ लेंगे, जब वो भी संविधान को मानने लगेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब संविधान की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो अब यहाँ ना मंदिर की बात होगी ना मस्जिद की बात होगी, अब विकास की बात करेगा, जो विकास करेगा वही शासन में रहेगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। अखिलेश यादव अपने विकास को तो गिना देते हैं, लेकिन बहन जी के विकास को जो है वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि बहन जी ने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन बताते नहीं है। हाँ, तो असल शुरुआत विकास की 2007 से 2012 में हुई, जब स्थिर सरकारें बनेंगी तो अब निश्चित तौर पे अथवा यूपी में विकास होगा, जब गठबंधन की सरकारें बनेंगी तो 6 महीना चलेगा, साल भर होगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा, जब से स्थिर सरकारें होंगी तो कोई भी शासन करेगा उसमें विश्वास होगा। क्या समीकरण है आपके पूरे वाराणसी मंडल में बताइए? वाराणसी मंडल में हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 सीटें बसपा जीतेंगी, हाँ एकदम हर जगह कांटे की टक्कर है, एकदम मंडल की बात नहीं है, जनता में मैं वाराणसी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि अखिलेश जी की बात हो रही थी, अखिलेश जी की जब कुर्सी धो दिया गया तो वो समाज उस समय कहाँ चला गया था? आज लोग अछूत से परेशान है, और मुख्यमंत्री जो एक राजा था उसकी जब कुर्सी धो दिया गया है, और यादव समाज जो बहुत बहुत बाहुबली बनता है, उस समय उसका खून नहीं उबला वो पानी हो गया, उसने एक भी सामाजिक संघर्ष नहीं किया। सपा केवल राजनीतिक पार्टी है, बसपा आपका सामाजिक धार्मिक और महिलाओं को सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुसार काम करने वाली पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इसमें आस्था रखता है। तो जो शासक ही भाजपा का राज है, जो शासक हमारा अन्यायी है, अत्याचारी है, बलात्कारी है, वो महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कहाँ से सुरक्षा दे सकता है? और उनके अखिलेश यादव कह रहे हैं हम सुरक्षा देंगे ना इस बार, ओ कहने के लिए तो सभी कहते हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दिया कि हनुमान ने सूरज को निकल लिया, और वही व्यवस्था मोदी और योगी लागू करना चाहते हैं। आरएसएस हमको बुद्धिहीन बनाती है और संविधान हमको बुद्धिमान बनाता है। बहुजन समाज पार्टी हमें कुछ भी ना दिया हो, लेकिन आज जो हम बोल रहे हैं आप लोगों के बीच में, जो अशिक्षित महिला बोल रही है, अशिक्षित लोग बोल रहे हैं, जो गूंगा था बहरा था वो आज बोल रहा है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है, यही कम नहीं है। और बाकी सभी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं, उन्होंने हमको तो मुंह पे ताला लगा दिया, और 1.5 साल से मुंह पे जो पट्टी लगी है, जो मुंह पे पट्टी लगी है कोरोना के नाम पे, वो ना बोलने की पट्टी लगी है कि आपको बोलना नहीं है, मैं कुछ भी करता रहूं। सपा में दलितों का हित नहीं है? नहीं होता है। अगर सपा में दलितों का हित होता तो कर्मचारियों का डिमोशन क्यों करता? वो अखिलेश सरकार को तो इनको बैकवर्ड को प्रमोशन देना चाहिए था, लेकिन उसने तो डिमोशन कर दिया, तो दलितों का है तो उसने कैसे किया है? किसी भी माँ बहन बेटी की सुरक्षा भी नहीं किया, सारी योजनाएं बंद कर दिया। कह रहे हैं ना नई सपा है, पहले गलतियां हो, वो नई नई पुरानी कुछ नहीं है, बोतल वही है, शराब वही है, बोतल बदल दिया गया। शराब में नशा होता है, चाहे जिस बर्तन में डाल दो उसमें नशा होता है, बोतल बदल दो, चाहे घड़े में डाल दो, चाहे लोटे में डाल दो, इस हिसाब से होता है। नई सपा कुछ नहीं है, लोग वही हैं, विचारधारा वही है, तो नई सपा कहाँ से हो गई? दलितों के लिए बेहतर सपा है या बीजेपी है? दलितों के लिए इनमें से कोई बेहतर नहीं है इस समय, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई बेहतर नहीं है, बीजेपी झूठा, कोई बेहतर नहीं, सबका साथ और सबका विनाश हो रहा है, सबका साथ और सबका विनाश हो रहा है, साथ विकास नहीं हो रहा, किसानों का विनाश हो रहा है, फसल उनकी चर जा रहे हैं, उनकी फसल पूरा चरवाह चर जा रहे हैं, किसान लोग रात में अपना रखवाली करता है, घर में चोर चोरी कर ले जा रहा है, कहाँ से विकास हो रहा है? विकास तो 4-5 लोगों का हो रहा है, अडानी है, अंबानी है, और जो भाग गए हैं लोग उनका विकास हुआ है, आम जनता का विकास कहाँ हुआ है? बीजेपी कह रही है राशन दे रहे हैं 5 किलो, बीजेपी राशन देने की बात कर रही है, बीजेपी ऐसी पहली पार्टी नहीं है जो राशन दे रही है, इसके पहले भी राशन मिलता था, राशन खा रहे हैं वो 80 करोड़ लोगों को। देखिए उनका भौकाल है, वो सारे लोग भौकाल कराते हैं कि हनुमान ने सूरत को निगल लिया, और उसी के सारे भक्त हैं, तो ये तो बहुत कम झूठ बोल रहे हैं।
जो झूठ पहले बोला जा चुका है उसकी अपेक्षा तो झूठ बहुत कम बोल रहे हैं। जैसे 2 करोड़ हमें 15 लाख देना है, अगर ये 15 करोड़ भी बीएसपी खत्म हो गई है, देखिए किसी को किसी के कहने से बीएसपी खत्म नहीं हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी खत्म हो गई, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी खत्म हो रही है, क्या करेंगे। मेरा मानना है, लोगों का मानना है कि बीजेपी खत्म हो रही है, बीएसपी नहीं खत्म हो रही। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।